बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर्स में हम लोग स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करेंगे। बुक ओपन कर लीजिएगा, पेज नंबर 268, पेज नंबर 268, पेज नंबर 268 ये ओपन करेंगे। स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक मरतबा फिर जरा फॉर्मूले पे डिस्कशन कर लें, ताकि न्यूमेरिकल करने में हमें आसानी हो। इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स को करने के लिए जिन फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, उसमें पहला फॉर्मूला है m इज इक्वल टू m नॉट ओवर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला l इज इक्वल टू l नॉट रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला t इज इक्वल टू t नॉट ओवर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, और ये मास एनर्जी कन्वर्जन, राइट। स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले में देखिएगा, ये जो एम नॉट है ये इनिशियल मास है, और इसे हम लोग रेस्ट मास भी कहते हैं। ये इनिशियल मास है और हम लोग इसे रेस्ट मास भी कहते हैं। एम ये टोटल मास है, फाइनल मास है, ये टोटल मास है, टोटल मास, फाइनल मास। वी वेलोसिटी है, सी स्पीड ऑफ लाइट है, एल नॉट इनिशियल लेंथ, एल फाइनल लेंथ, इनिशियल टाइम, फाइनल टाइम। ये मास एनर्जी कन्वर्जन रिलेशन है। इस फॉर्मूले को हम लोग दो हिस्सों में ब्रेक करेंगे। एक फॉर्मूला इनिशियल मास के लिए और एक फॉर्मूला फाइनल मास के लिए। गौर से देखिएगा, इसे आप रेस्ट मास बोलोगे तो ये रेस्ट मास एनर्जी, रेस्ट मास एनर्जी, टोटल मास, टोटल एनर्जी, टोटल मास, टोटल एनर्जी, राइट। इसके अलावा एक और फॉर्मूला है, वो ये है, E इज इक्वल टू E नॉट प्लस के, के इज द काइनेटिक एनर्जी, के इज द काइनेटिक एनर्जी। ये फॉर्मूला कैसे आया जरा इसको समझ लीजिए। देखिए, फर्स्ट कीजिए कि इस वक्त मैं रेस्ट पोजीशन पे हूं, इस वक्त इस बॉडी के पास जो एनर्जी है वो E नॉट है। मैं मूव करता हूं नियर टू स्पीड ऑफ लाइट, मूव करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो बॉडी की टोटल एनर्जी क्या होगी? टोटल एनर्जी बराबर होगी रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के। रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 पावर माइनस 19 जूल के बराबर होता है। 1.6 पावर माइनस 19 जूल के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है, राइट। इन इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हम लोग इस टॉपिक के न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं, क्लियर। तो स्टूडेंट देखिएगा, पेज नंबर 268 पर क्वेश्चन नंबर 1 17.1, ये इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि प्रैक्टिस न्यूमेरिकल है। मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग सुनिएगा। कहता है, इन द इनर्शियल फ्रेम ऑफ पेंडुलम द टाइम पीरियड इज मेजर टू बी 3 सेकेंड। कह रहा है, एक पेंडुलम है, उसका इनिशियल टाइम पीरियड मेजर किया गया है, और इनिशियल टाइम पीरियड कितना है? 3 सेकेंड। 3 सेकेंड इनिशियल टाइम, इनिशियल टाइम को लिखोगे टी नॉट से, दिस इज 3 सेकेंड। फिर कहता है,
व्हाट विल बी द पीरियड ऑफ द पेंडोलम, पेंडोलम का पीरियड क्या होगा, यानी टाइम क्या होगा, फाइनल टाइम पूछ रहा है। आगे कह रहा है, फॉर एन ऑब्जर्वर मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 0.95 टाइम्स एज स्पीड ऑफ लाइट, कह रहा है अगर पेंडुलम की मोमेंट इतनी है 0.95 टाइम्स एज स्पीड ऑफ लाइट, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, तो बताइए अब टाइम कितना होगा, फाइनल टाइम आपसे पूछा है। स्टूडेंट्स, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में मैंने आपको बताया था कि जब किसी बॉडी की स्पीड नियर टू स्पीड ऑफ लाइट होगी तो टाइम डायलेट हो जाएगा, टाइम बढ़ जाएगा। यहां पर भी क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन में कहता है इनिशियल टाइम 3 सेकेंड है, 0.95 टाइम्स एज स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है, तो बताइए एज पर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी टाइम बढ़कर अब कितना होगा, यानी फाइनल टाइम आपसे पूछा है। तो देखिएगा स्टूडेंट, इसका सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे, टाइम के लिए सिंपल ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, टी नॉट ओवर रूट 1 माइनस v² ओवर c² वैल्यू पुट कीजिएगा, टी इज इक्वल टू टी नॉट, टी नॉट की वैल्यू कितनी है 3 ओवर रूट 1 माइनस v, v की जगह क्या लिखोगे 0.95c होल स्क्वायर, ये स्क्वायर है तो ये होल स्क्वायर 0.95c ओवर c² क्लियर। देखिए ये स्क्वायर इन दोनों पर है, इस पर भी इस पे भी है, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, ये रह गया 3 ओवर रूट 1 माइनस 0.95 होल स्क्वायर। अब इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा बाय यूजिंग कैलकुलेटर, सॉल्व करोगे तो ये टाइम आ जाएगा दिस सेकेंड। क्लियर स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इसकी कैलकुलेशन आप लोग कीजिएगा, अगर कैलकुलेशन में के दौरान रिजल्ट का कोई इश्यू हो तो फिर लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन में आप लोग मुझसे डिस्कस करेंगे। क्लियर स्टूडेंट, इसी तरह का एक और प्रैक्टिस न्यूमेरिकल है 17.2, ये भी प्रैक्टिस न्यूमेरिकल है, इसे भी जरा देखिएगा। नंबर 2 कहता है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ अ बार, बार की लेंथ क्या होगी, बार किसको कहते हैं, एक ऐसे ऑब्जेक्ट को जिसकी लेंथ होती है रेक्टेंगुलर शेप में होता है, जैसे स्केल जिससे हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं, रेक्टेंगुलर शेप में है, पर्टिकुलर लेंथ है, तो इसे हम लोग बार कहते हैं। कहता व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ अ बार इफ इन द स्टेशनरी फ्रेम, इफ द लेंथ अलोंग द एक्स डायरेक्शन इज 1 मीटर, कह रहा एक बार है उसकी इनिशियल लेंथ 1 मीटर है, तो उसकी फाइनल लेंथ क्या होगी, इनिशियल लेंथ 1 मीटर है तो कह रहा है फाइनल लेंथ क्या होगी, किस सिचुएशन के लिए, एंड द मोशन इज विद अ वेलोसिटी ऑफ 0.75 टाइम्स एज ए स्पीड ऑफ लाइट, कह रहा है कि अगर इसकी मूवमेंट 0.75 टाइम्स एज स्पीड ऑफ लाइट हो तो फाइनल लेंथ क्या होगी। फिर सुनिएगा, कह रहे आपके पास एक बार है, लेंथ गिवन है, अगर वो बार 0.75 टाइम्स एज स्पीड ऑफ लाइट से मूव करे तो बताइए अब उसकी लेंथ क्या होगी, ये आपको मालूम करने के लिए कहा गया है। क्लियर, तो स्टूडेंट देखिएगा इसका इसकी कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे, लेंथ के लिए आपके पास फॉर्मूला ये है, एल इज इक्वल टू एल नॉट रूट 1 माइनस v² ओवर c² ये सिंपल वैल्यू पुट करेंगे, एल नॉट 1
रूट वन माइनस वी की जगह 0.75 सी होल स्क्वायर ओवर से स्क्वायर, क्लियर। एल इज इक्वल टू वन, वन लिखने की जरूरत नहीं, रूट ये देखिए स्क्वायर, इस पर भी है, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, ये रह गया वन माइनस 0.75 होल स्क्वायर। इसे कैलकुलेटर से सॉल्व कीजिएगा, आंसर आएगा, यूनिट लिखिएगा दिस मीटर। क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स ये दोनों न्यूमेरिकल प्रैक्टिस न्यूमेरिकल है, पेपर में इसके आने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन प्रैक्टिस के लिए एक अच्छा न्यूमेरिकल है दोनों। अभी हम लोग एक ऐसा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो कॉन्सेप्चुअल भी है और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, 17.3, ये पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आपको मिल रहा है। नंबर 3 देखिएगा क्या कहता है, कहता है गिवन दैट, बुक में देखिएगा कह रहा है गिवन दैट एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कह रहे एम नॉट सी स्क्वायर गिवन है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, गिवन एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहता फाइंड द टोटल एनर्जी कैपिटल ई, कह रहे टोटल एनर्जी कैपिटल ई कैलकुलेट करके दीजिए, कैपिटल ई कैलकुलेट करके दीजिए, फाइंड द टोटल एनर्जी ई एंड द काइनेटिक एनर्जी के। टोटल एनर्जी ई कैलकुलेट कीजिए और काइनेटिक एनर्जी के कैलकुलेट कीजिए, काइनेटिक एनर्जी के कैलकुलेट कीजिए एंड द काइनेटिक एनर्जी के ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 0.85 टाइम्स एज स्पीड ऑफ लाइट। अगर उसकी मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट इतनी हो 0.85 टाइम्स एज स्पीड ऑफ लाइट। स्टूडेंट क्वेश्चन फिर सुनिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहे आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है और उसके लिए एम नॉट सी स्क्वायर ये लिखकर दिया है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कह रहे जिस इलेक्ट्रॉन के लिए कंडीशन गिवन है उसके लिए टोटल एनर्जी निकालिए, काइनेटिक एनर्जी निकालिए। अगर वो इलेक्ट्रॉन इस स्पीड से मूव कर रहा है 0.85 टाइम्स एज स्पीड ऑफ लाइट, क्लियर। स्टूडेंट्स एक मतलब आप चाहें तो क्वेश्चन खुद से पढ़ लीजिए, देख लीजिए, मेरा ख्याल है क्वेश्चन क्लियर होगा। अगर न्यूमेरिकल करने के दौरान आपको लग रहा हो कि क्वेश्चन आपको पढ़ना है तो वीडियो को पॉज कीजिए और फिर क्वेश्चन को सुकून से पढ़ लीजिए, फिर क्वेश्चन पढ़ने के बाद दोबारा वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर, देखिएगा स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी वर्किंग देखिएगा। एम नॉट सी स्क्वायर, एम नॉट सी स्क्वायर किसके बराबर है, ई नॉट के, तो इसके बराबर में मैं क्या लिख सकता हूं, ई नॉट, क्लियर। देखिए ई इक्वल होता है एम सी स्क्वायर के, एम सी स्क्वायर के ये टोटल एनर्जी है तो ये टोटल मास है, पर टोटल मास तो है नहीं हमारे पास, तो टोटल मास निकालने का फॉर्मूला ये है। तो यहां पर m की जगह इसका फॉर्मूला पुट कर दीजिए, m की जगह इसका फॉर्मूला पुट कीजिए, ये मैंने m की जगह इसका फॉर्मूला पुट किया, ये c स्क्वायर एज इट इज मैंने कॉपी किया, c स्क्वायर एज इट इज कॉपी, क्लियर। अब इसमें से देखिएगा एम नॉट सी स्क्वायर गिवेन है, एम नॉट सी स्क्वायर गिवेन है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
ये एनर्जी का यूनिट है, आप इसे जूल में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर जूल में लाना हो तो कैसे लाओगे, जरा ये देख लो पहले। मेगा, मेगा का मतलब होता है 10^6, तो मेगा की जगह लिखिएगा 10^6, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में लाने के लिए इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे, 1.6^-19 से। पर स्टूडेंट, इस न्यूमेरिकल में जूल में कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है ये भी क्लियर कीजिए। देखिएगा, ये एनर्जी है, रिक्वायर्ड भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है। गिवन और रिक्वायर्ड जब एक ही फैमिली के मेंबर्स हो, गिवन और रिक्वायर्ड जब एक ही फैमिली के मेंबर्स हो तो कन्वर्जन जरूरी नहीं होता है। जिस यूनिट में गिवन है उस यूनिट में इस्तेमाल कीजिए, आंसर भी सेम यूनिट में ही लिखेंगे, राइट? तो देखिएगा, E इज इक्वल टू m0c² 0.511 ओवर रूट 1 माइनस v, v की जगह लिखा 0.85c, 0.85c होल स्क्वायर ओवर ये c स्क्वायर एज इट इज कॉपी किया। स्टूडेंट्स, ये स्क्वायर इस पर भी है, इस पर भी है, तो ये c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल, तो E इज इक्वल टू 0.511, नीचे रहेगा आपके पास 1 माइनस 0.85 होल स्क्वायर। कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा 0.970, 0.970। ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो इसका यूनिट भी आप क्या लिखिएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर स्टूडेंट्स? चले, ये तो टोटल एनर्जी आपको मिल गई। अब हम लोग निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ई नॉट प्लस के, ये लास्ट फॉर्मूला, ये ई इज इक्वल टू ई नॉट प्लस के। तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा ई माइनस ई नॉट के। क्लियर? वैल्यू पुट कीजिएगा, ई 0.970, 0.970 माइनस ई नॉट, ई नॉट गिवन है 0.511, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.459। यूनिट सेम, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये है काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू। क्लियर स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स, ये न्यूमेरिकल इस वक्त जो आपको नजर आ रहा है, ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो स्टूडेंट्स, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के तकरीबन 8 न्यूमेरिकल्स हैं, 8 प्रॉब्लम्स हैं। फिलहाल उनमें से भी हमने सिर्फ 3 को सॉल्व किया है। उनमें से ये और ये प्रैक्टिस न्यूमेरिकल है, पर ये एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। स्टूडेंट्स, अच्छी तरह इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे, ये सारे फॉर्मूले अच्छी तरीके से लर्न करेंगे, याद करेंगे। अगर फिर भी कंफ्यूजन हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो लाइव क्वेश्चन आंसर सेशंस के दौरान मुझसे डिस्कस कीजिएगा। तब तक आप लोग अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।